खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। क्या 370 पर फैसले से मोदी मारेंगे मैदान? 70 साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, 5 अगस्त को हटा दी। या अर्थव्यवस्था पर विधानसभा का मतदान? सच्चाई आपको दिख रही है, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की हालत, आपको किसानों की हालत सब मालूम है। अपने परिवार के कल्याण में खोए हुए लोग डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी को दोबारा मिलेगा मौका? लालच में आपको मोतिया बिंद हो जाना। या 5 साल बाद कांग्रेस पर वोटर्स करेंगे भरोसा? अगर हम चुनाव जीते होते और अगर न्याय योजना लागू की जाती, हिंदुस्तान में बेरोजगारी मिट जाती। महाराष्ट्र हरियाणा के महासंग्राम की हर तस्वीर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। अमूमन इस वक्त आप देश और दुनिया की सारी खबरें नमस्ते भारत में देखते हैं, लेकिन आज खास नमस्ते है महाराष्ट्र को और हरियाणा को, जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लोग कतारों में इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका वक्त आएगा और वो अपने पसंद के नेता को और पार्टी को चुनेंगे। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके के सेंट एन स्कूल से आप देखिए मतदाताओं से ये खास बातचीत, किस मुद्दे पर वो दे रहे हैं इस बार विधानसभा में वोट। 7 बजने के साथ ही महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मुंबई के बांद्रा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में हूँ, बांद्रा वेस्ट के पाली हिल इलाके में हूँ, और पाली हिल का ये सेंट एनिस हाई स्कूल है और जो मतदान केंद्र काफ़ी वीआईपी मतदान केंद्र माना जाता है। 7 बजने के साथ ही यहाँ पर भी पोलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे पहले से ही जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली थी, सुरक्षा व्यवस्था कड़े किए गए हैं। और ये मुंबई के जो मतदान केंद्र होते हैं उसमें से एक यह वीआईपी पोलिंग बूथ कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि चाहे आम हो या खास, बॉलीवुड के सितारे हों यहाँ पर आकर मतदान करते हैं। आमिर खान हो, संजय दत्त हो, कपूर परिवार हो, गुलजार साहब हूं, तमाम लोग यहां पर आकर मतदान करते हैं। क्या आम क्या खास, और ऐसे ही आम व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले जिम्मेदारी को समझा और 6:30 बजे ही ये स्कूल केंद्र के पास आ गए थे और मतदान किया। क्या नाम है आपका? और मैंने आपको सुबह 6:45 बजे के आसपास ही देखा, आप स्कूल के पास पहुंच गए। 7:45 बजे। अमित पराशर मेरा नाम है जी, मैं यहाँ पालील पर ही रहता हूँ जी। क्या मुद्दे हैं आपकी नजर में कि आप इसको सोचकर वोट किया आपने? बेसिक डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस, पार्किंग एरिया, रोड वाइडनिंग, हॉकर जोन्स, हटमेंट्स, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। आशीष शेलार का मुकाबला आसिफ के साथ यहाँ पर आप देखेंगे, ये चुनाव में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर खास मेहमानों को और मेरे वरिष्ठ सहयोगियों को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विजय, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सिर्फ बांद्रा का मसला नहीं है, ये महाराष्ट्र और हरियाणा का मसला है, पूरे देश का मसला है। क्यों इस बार ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण आपको लगते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस की नज़र से देखा जाए तो उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है, आर्थिक मंदी देश में फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी की नज़र से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी सी बन गई है कि बड़े चुनाव से पहले कुछ एक बड़ा करो, विपक्ष को गलती करने पर मजबूर करो, फिर उसे एक बड़ा मुद्दा बना लो। तीसरा, दोनों जगह जो डोमिनेंट कास्ट है वो अपर कास्ट नहीं है और वो सत्ता में नहीं है। जाट डोमिनेंट कास्ट है लेकिन अपर कास्ट नहीं है। अपर कास्ट 7.5% ब्राह्मण है जो सत्ता में है। इसी तरह मराठे कुल मिलाकर डोमिनेंट कास्ट है लेकिन अपर कास्ट नहीं है। फडणवीस ब्राह्मण है और वो अपर कास्ट है। तो बीजेपी की ये स्ट्रेटजी का मुकाबला कांग्रेस या कोई विपक्षी पार्टी कैसे करेगी, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प है। ये सबक उनको लेना ही पड़ेगा बीजेपी से।
बाकी भी मेहमान हैं, उनसे भी क्या लगता है उनको, जो विजय कह रहे हैं कि यहाँ पर कास्ट इक्वेशन भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ये है या 2014 के बाद चाहे वो नॉन मराठा हो चाहे वो नॉन जाट हो, जैसे ही ये चेहरा प्रोजेक्ट किया गया दोनों अलग अलग राज्यों में चीजें बदल गई हैं। मैं इस पर जिक्र करूं और बात करूं उससे पहले मुंबई के बांद्रा ईस्ट आपको ले जाना चाहती हूं। वहां वोटर्स के लिए चुनाव का मुद्दा क्या है? पिछली 3 बारों से शिवसेना वहां पर चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन इस बार क्या देखिए आप। इस वक्त हम मौजूद है बांद्रा ईस्ट विधानसभा के 176 नंबर पोलिंग बूथ पर, जहां पे अब लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है। हमारे साथ जो वोटर्स हैं जो सुबह सुबह आए हैं वोट देने के लिए, हम इनसे बात करेंगे क्या मुद्दे रहे, कौन सी जरूरी बातें थी, किसके लिए आप किसी मतलब बड़े नेताओं के नाम के लिए आए या फिर काम के लिए वोट देने के लिए आए हैं? वोट देना हमारा कर्तव्य है, पब्लिक को वोट देना चाहिए, वोट देना सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन कुछ तो मुद्दा दिमाग में रहा होगा ना कि क्या करना है, कौन से मुद्दे थे जो दिमाग में थे आपके? मुद्दे एकदम क्या है जो है कि अपना काम सही हो रहा है और क्या है। नाम आपके लिए आने से पहले यहाँ पे दिमाग में था नेताओं का या फिर काम जो है वो उनका? काम में मोस्टली था मैम, क्योंकि यहाँ पे रोड्स वगैरह इतने ठीक नहीं है, यहाँ पे क्लीनिनेस मेन मुद्दा रहा है और पानी वगैरह का रहा है जो हमारे नेता ने यहाँ पे अच्छे से किया है, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने वोटिंग किया है मैम इस बार। तो आपके लिए भी ज़रूरी मुद्दे यही सफाई वगैरह? जी 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 यही था। तो आप सुन रहे हैं ये मतदाता हैं जिनका कहना है कि जो सफाई वगैरह के मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पे जो है वो वोट देने के लिए आए हैं, ना कि किसी नेता के नाम पर ये यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप अगर अपने घरों में हैं तो मतदान करने के लिए जरूर निकलें। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ नेता शांडिल्य, एपी न्यूज मुंबई। मालाबार हिल्स की तस्वीर आपको इसलिए दिखानी जरूरी है क्योंकि पीयूष गोयल वहां पर वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तस्वीरें अब स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं। और इस बीच सुनील चावके साहब, आप देखिए किस तरीके से मुद्दों की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मुद्दे इस बार रहेंगे या नाम इस बार रहेगा वोट जब करने जनता जाएगी। इस बार लगता है कि थोड़ा मुद्दे हावी रहेंगे क्योंकि पिछली बार से अगर अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते बीजेपी और शिवसेना तो इसका मतलब है कि मुद्दे हावी हो गए। भले ही कांग्रेस और एनसीपी कमज़ोर साबित हो रही है इन दोनों के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि मुद्दों को कहीं ना कहीं ये जो 370 का मुद्दा है ये शहरी इलाकों में काफ़ी प्रभावी साबित हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महाराष्ट्र के जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो ज़्यादा असरदार होने की संभावना है। और एक बात और है कि आज मौसम का अनुमान ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसके ऊपर नतीजों का भी अनुमान निर्भर रहेगा। मौसम कैसा है, पूरे महाराष्ट्र में बारिश हो रही है और काफ़ी जगह पर बारिश रुकी हुई है तो कीचड़ बना हुआ है, तो ऐसी कीचड़ में कमल खिलेगा कि नहीं, ये खिलेगा लेकिन वो कितना खिल सकता है ये भी देखने वाली बात होगी। और ये देखिए आदित्य ठाकरे को आप देख रहे हैं, पहली बार ठाकरे खानदान से ठाकरे परिवार से कोई असल जनता के मैदान में उतरा है और रिजल्ट से पहले वोटिंग से पहले आदित्य ठाकरे को आप देख रहे हैं, युवा चेहरा शिवसेना का वर्ली से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ये भगवान के दर पर हाथ जोड़े आज की तारीख में तो यही प्रार्थना कर रहे होंगे सिद्धि विनायक से कि मुझे किसी तरीके से मेरा बेड़ा पार लगा दीजिएगा। लेकिन रूबी का एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इनको चुनावी राजनीति में उतरने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, सारी राजनीति मातृश्री से चलती रही इनकी, लेकिन अब पोते को जरूर जरूरत पड़ रही है कि वो चुनावी राजनीति के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए। पंकज, वक्त कैसे बदलता है? वक्त की जरूरत भी है, सही कह रहे हैं भैया कि मातोश्री से ही सब कुछ चलता था, लेकिन गठबंधन में जो बड़ा भाई शिवसेना हुआ करती थी आज वो बहुत पीछे है, बीजेपी के हाथ में कह सकते हैं कि रिमोट है और मजबूरी है और इसीलिए खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं आदित्य ठाकरे। ये बदलते वक्त की और बदलते राजनीतिक हालात की निशानी है। और देखिए महाराष्ट्र इसमें हम डिप्टी सीएम को देख रहे हैं, बिल्कुल, अब देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही एबीपी न्यूज से बातचीत में भी ये बात कही थी कि डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, ये उनका फैसला है तो हम बनाएंगे।
और प्रतीक की बात जब कह रहे थे ना, ये गणपति हैं, तो वहाँ दो चीज, एक तो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति आपको या उनकी तस्वीर हर घर में पूजी जाती है, वैसे ही गणपति है। इन दोनों प्रतीकों के सहारे राजनीति होती रही है शिवसेना की। बाल ठाकरे ने शुरुआत जब की थी राजनीति की, तब ये कह दिया था कि मैं कभी भी किसी पोस्ट को नहीं लेने वाला हूँ, किसी पोस्ट पर छह साल के लिए उनको वोटिंग राइट, छह साल तक इनका वोटिंग राइट खत्म हो गया। और इसी परंपरा को उनके बेटे ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन अब वो परंपरा देखिए दशकों बाद टूटी है। पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, देखिए आपसे कुछ देर पहले मलाबार हिल्स में आपने रेल मंत्री को देखा था वोट डालते हैं, पहुंचे थे, संख्या में आज बाहर निकलेंगे, अपना मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के लिए कमल पर बटन दबाएंगे, शिवसेना के सभी उम्मीदवारों के लिए धनुष्बाण पर बटन दबाएंगे और दिखाएंगे कि ईमानदार सरकार, प्रगतिशील और विकास से प्रेरित नेतृत्व हमें प्रिय है, हम उसको और बल देना चाहते हैं और शक्ति देना चाहते हैं। मलाबार हिल के तो माननीय आमदार मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जो मुंबई के भी अध्यक्ष हैं भाजपा के, अपने आप में एक मिसाल हैं, जिन्होंने दशकों तक इस क्षेत्र की सेवा की है। 24 घंटे मलाबार हिल और इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए तट पर रहते हैं। रात को 2 बजे 4 बजे कोई फोन कर ले, मंगल जी सब छोड़ के जनता के बीच में रहते हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ आज जिस प्रकार से मंगल जी ने पूरे मुंबई का भी कारोबार संभाला भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे विश्वास है कोई मुंबईकर गलती नहीं करेगा, मुंबई की सभी सीटें 100% भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को। रेल मंत्री पीयूष गोयल को इस वक्त आप सुन रहे थे। हालांकि आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप ना तो चिन्ह का जिक्र कर सकते हैं ना पार्टी का जिक्र कर सकते हैं, और पीयूष गोयल शायद यही करते हुए इस वक्त नजर आए थे। हालांकि दायरा क्या था पोलिंग बूथ से, कितनी दूर आकर उन्होंने ये बात कही है, ये थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फिर से याद दिला दूं, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, अगर आप हरियाणा में हैं और आपके पास वोटर आईडी है, तो प्लीज़ जाइए मतदान कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, सबसे जानदार और शानदार कवरेज है चुनावों की यहाँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता आज इस सवाल का जवाब सुबह 7 बजे से लगातार दे रही है, और हम लगातार बने हुए इस बड़ी कवरेज पर। बात हरियाणा की, तो हरियाणा में जिस एक नेता की इस चुनाव में खूब चर्चा हुई वो है दुष्यंत चौटाला। जेजेपी से उचाना कला से इस बार दूसरी बार चुनावी किस्मत आजमा रहे विधानसभा में सांसद तो खैर है ही, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। पार्टी में टूट हुई, परिवार में टूट हुई, 2018 में अपनी अलग पार्टी बनाई, हिसार के पूर्व सांसद हैं, INLD से अलग जेजेपी इन्होंने बनाई पिछले साल ही। पूर्व सांसद अजय चौटाला और विधायक नैना चौटाला के बेटे हैं। बाप बेटे में ऐसी फूट हुई कि पोते को ही अलग कर दिया दादा ने, और इस हद तक अलग किया की टूट हो गई। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास, नितिन गडकरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी उनके साथ हैं। वोट डालने के बाद नितिन गडकरी हाथ में चिन्ह दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सुबह सवेरे सबसे पहले अगर कोई काम महत्वपूर्ण है तो वो वोट डालने का है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आप देख रहे हैं उनको पत्नी के साथ वोट डालते हुए, हाथ में निशान दिखाते हुए। निशान महत्वपूर्ण क्योंकि यही निशान बताता है कि आपकी लोकतंत्र में भागीदारी कितनी है। दुष्यंत चौटाला के बारे में और जानिए क्यों, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर कुछ अलग हुआ तो हो सकता है कि किंग मेकर बन जाएंगे। तो हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर और अपडेट भी मैं आपको दूंगी। अब चर्चा के लिए चलते हैं रूबिका के पास। बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जब अलग हुए पिछले साल दिसंबर में तो ये लगा था कि अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, जेजेपी एक दूसरी पार्टी जस्ट बन के रह जाएगी, अनदर पार्टी, ऑर्डिनरी पार्टी जिसे कहते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर रही वोट शेयर के लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण जेजेपी हो जाती है। मेरे सहयोगी ने दुष्यंत चौटाला से बात की और इस पर विश्लेषण इस बातचीत के बाद। चौटाला परिवार आज ट्रैक्टर पर सवार होकर वोट डालने जा रहा है, दुष्यंत चौटाला साथ में उनकी मतलब नैना और साथ में मिसिस दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत जी, क्या आपकी बार आपकी चाबी ताला खोल पाएगी? मैं तो ये मानता हूँ हरियाणा विधानसभा का ताला चाबी खोलेगी,
समय बताएगा छल्ला कौन बनेगा, मगर आज के दिन मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश की जनता का मूड है परिवर्तन लाना, और वो परिवर्तन जननायक जनता पार्टी। आपको बार बार ये कहा जाता है कि आप वोट कटवा पार्टी हैं, क्या इस बार ये साबित हो पाएगा? हाल ही में हुड्डा साहब ने कहा था अगर वोट कटवा होते तो क्यों हुड्डा साहब अपने कैंडिडेट की 800 वोट से जमानत बाई इलेक्शन में बचा पाए? अगर प्रदेश के अंदर उनको खतरा है हमसे नहीं था, तो फिर उनको क्यों बारी बारी ये बोलना पड़ा कि अगर हमें वोट ना दो तो बीजेपी को वोट दो? ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज के दिन परिवर्तन का मन बन चुका है, लोग चाहते हैं बदलाव, और वो बदलाव जननायक जनता पार्टी। क्या चौधरी देवीलाल की विरासत जो है वो अब जेजेपी के पास है, दुष्यंत चौटाला के पास है? चौधरी देवीलाल की विरासत जनता के हाथ में, जनता जिसको वोट देगी वो प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे लेकर बढ़ेगी। आपके ऊपर ये कहा जाता है कि आप भाजपा की मदद कर रहे हो, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस की हेल्प कर रहे हो, तो कुल मिला के एक जो आइडियोलॉजी है, एक जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा जो है, उसकी बात हो रही है कि वो उसको कैसे आप कंट्रोल करें? मैं ये मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल ने एक चीज़ सिखाई थी, संघर्ष। और आज इन दोनों नेशनल पार्टीज़ के अगर हमने पसीने निकलवाए हैं तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से निकलवाए हैं कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ जेजेपी का साथ देकर वो परिवर्तन लाएगी। कितनी सीटें अब की बार आपको लग रहा है कि जेजेपी? मानता हूँ 62 ऐसी सीटें हैं जिन पर हम 1-to-1 या ट्राइकोनर मुकाबले में हैं, और वो 62 की 62 सीटों पर मजबूती के साथ हम लड़े। एक सवाल परिवार की मुखिया से, नैना जी आपको क्या लगता है कि अब की बार जेजेपी अपना जो चाबी उनके पास से ताला खोल पाएगी? बिल्कुल, ताला इसी चाबी से खुलेगा, हरियाणा प्रदेश की सरकार बनेगी और जनता हमारे साथ है। तो ताला परिवार जो कि इस बार ट्रैक्टर से वोट देने पहुंचा है, इन सबका मानना है कि जो चाबी है, जो इनका जो सिंबल है, इस बार ताला हरियाणा की राजनीति का उसी से खुल पाएगा। मुकाबला बहुत दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है, जगविंदर पटियाल का रुख कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, जरा उनका बयान सुन लेते हैं और उसके बाद उचाना कला की बात होगी। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम मना रहे हैं। हमारा सबका संविधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम हमारे मत का उपयोग करें। मैं सबसे पहले सभी भाई और बहनों से आह्वान करता हूं कि मैंने पूरे परिवार के साथ अभी वोटिंग किया है, आप सब लोग 6 बजे के पहले मतदान केंद्र पर आकर आपके मतदान का जो अधिकार है उसका कर्तव्य निभाइए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए। इस चुनाव में मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया है, और उसके साथ साथ देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में काम किया है, उस विकास की तरफ देखते हुए महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, और चुनाव के बाद आज तक की रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और रिपब्लिकन अलायंस को मिलेगी और देवेंद्र फडणवीस से ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा विश्वास है। आज आपण लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव साजरा करतो। लेकिन दिलचस्प इस बार ये रहा है कि जितनी भी चुनावी रैलियां रही हैं, नितिन गडकरी उन चुनावी रैलियों से दूर रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा था कि उनको केंद्र तक सीमित कर दिया गया है। एक टाइम था जब विधानसभा चुनावों में इनका बड़ा दबदबा रहा करता था, लेकिन जितनी भी चुनावी रैलियां हुई, 17 मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई और उसी के आसपास अमित शाह की रही है, लेकिन कहीं भी नितिन गडकरी नजर नहीं आए हैं। लेकिन आज देखिए, वोट डालने के बाद नितिन गडकरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। पंकज, ये नितिन गडकरी का और स्पेशली जब उस इलाके से जहां पर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ऐसा चेहरा उभर कर आए हैं जिन्होंने अपने आसपास किसी को टिकने नहीं दिया, बीजेपी में ही खुद। बिल्कुल, वहां अगर फैक्टर देखें तो मोदी के बाद फडणवीस ही हैं, और एक ही शहर से, नागपुर से, और कहते ये हैं कि देवेंद्र फडणवीस को राजनीति में लाने वाले नितिन गडकरी हैं और गडकरी को राजनीति में लाने वाले देवेंद्र के पिता हैं। दोनों ही ब्राह्मण हैं,
गडकरी भी और फडणवीस भी नागपुर शहर से भी हैं, दोनों की महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन बदलते वक्त में आज फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन बड़े देखिए, जब जिस दिन मैं गया था उस दिन नामांकन था फडणवीस का, पूरा परिवार देवेंद्र और उनकी पत्नी अमृता दोनों इन्हीं के घर गए थे गडकरी के यहाँ, वहीं पूजा किया, सारा शगुन भी गडकरी एक बड़े भाई की तरह रोल निभाते रहे। तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों ने कभी अपने मतभेद को सार्वजनिक नहीं किया, ये बड़ी बात है। गडकरी हमेशा बड़े भाई के रोल में रहे, हालांकि धीरे धीरे वो महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर हो रहे हैं। आप जो कह रहे थे रैलियों की बात, इन्होंने थोड़ी वो सभाएं भी जो की वो विदर्भ के इलाके में ही कर पाए। अच्छा, और इस बीच दो तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये हरियाणा की तस्वीर है। देखिए, एक चीज कहते कहते हम लोग रुक गए थे, वो वक्त की कमी थी, और अचानक दोबारा हम उसी मुकाम पर आ गए हैं। जगविंदर, दो लाइन आपको जरूर कह देनी चाहिए। योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी की कमजोरी रही हैं, और इसीलिए इस बार खेल खिलाड़ियों संघ। देखिए, मिशन 75 में सबसे इम्पोर्टेंट था कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस या INLD जीती है, बीजेपी ने कहा कि उनको किस तरह से हासिल किया जाए। वहां पर स्टार वॉर किया गया, यानी स्टार पावर को दिखाया गया, और चाहे वो बड़ौदा की सीट हो, चाहे वो पहवा की सीट हो, चाहे वो चरखी दादरी की सीट हो, इसी तरह से टिकटॉक गर्ल जो है आदमपुर वाली सीट भी है, वो 50 साल से भजनलाल के परिवार के पास थी, तो उन्होंने वहां पर एक नया एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे चेहरे लाए जो राजनीति से हटकर थे, और ये समीकरण बिगाड़ने के लिए बीजेपी की एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी कि किस तरह से स्टार्स को उतार कर ये सीटें INLD और कांग्रेस के कब्जे से खींची जाएं। अभी इस एक्सपेरिमेंट में ये स्टार पावर कितनी कामयाब होती है, ये 24 तारीख को पता लगेगा। योगेश्वर दत्त का जिक्र कर देते हैं, पहलवान है, 2012 में याद कीजिए कांस्य पदक हिंदुस्तान को लाकर दिया था, लेकिन यहां कौन सा पदक मिलता है चुनावी अखाड़े में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन कुमकुम, मेरी सहयोगी, जरा योगेश्वर के बारे में और डिटेल में आपको बताएंगी। कुमकुम, चलिए, योगेश्वर दत्त क्यों महत्वपूर्ण है और कैसा है उनका सियासी सफर अब तक, उन्होंने किस तरह से उनको जाना जाता है दुनिया भर में, देश भर में, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। योगेश्वर दत्त सोनीपत के बड़ौदा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक उन्होंने देश के लिए जीता, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी देश के लिए उन्होंने जीता है। हरियाणा पुलिस में DSP थे, लेकिन अब सोनीपत के बड़ौदा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ओवर टू यू रूपिका। सुप्रिया सूले वोट डालने के लिए पहुंची हैं, जरा वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सुप्रिया सूले, अजीत पवार, शरद पवार, NCP का इस वक्त बहुत कठिन दौर चल रहा है, लेकिन आज तो कठिन सबके लिए है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, लेकिन देखिए पूरे परिवार के साथ सुप्रिया सूले पहुंची है वोट डालने के लिए। जब इनसे एक दफा ये पूछा गया कि अजीत पवार के साथ आपकी अनबन चल रही है, तो एक टुक जवाब इन्होंने दिया, हमारा परिवार कोई, क्योंकि सास भी कभी बहु सीरियल नहीं है कि खटपट चलती है, फिर चुप हो जाते हैं, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए ABP न्यूज, नॉन स्टॉप कवरेज है चुनावों की। दो राज्यों में इस वक्त मतदान हो रहा है, और अगर आप इन दो राज्यों में हैं तो आपसे विनती है, विनम्र विनती है कि जाइए और मतदान कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत, और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगियों का, पत्रकारों का एक बहुत शानदार पैनल है। अलग अलग इलाके में हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, क्योंकि दो राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, और ये चार महत्वपूर्ण तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। सुबह सुबह शुरुआत नागपुर से हुई, RSS हेडक्वार्टर से मोहन भागवत वोट डालने के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद आप देखिए नागपुर से ही नितिन गडकरी की तस्वीर आती है, अब से कुछ देर पहले वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। सुप्रिया सूले की तस्वीर आपने देखी, और अभी फुल स्क्रीन देखिए कैसे भगवान के द्वार एक एक राजनेता आज पहुंच रहा है, ये मांग करने, ये मन्नत मांगने कि मेरा बेड़ा पार लगा दो। आदित्य ठाकरे पूजा अर्चना करते हुए विघ्नहर्ता से आपको नजर आ रहे हैं, पहली बार चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमा रहे हैं, वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रिया सूले वोट डालने के बाद क्या कह रही है, सुनिए आप। समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज नजर आ रही है सुप्रिया सूले, बीच में आपको नजर आया होगा अजीत पवार नहीं दिख रहे थे, सुप्रिया सूले नजर नहीं आ रही थी, अगर कोई नजर आ रहा था तो शरद पवार, और आखिरी रैली की उनकी तस्वीर
सब जगह वायरल हुई थी, बारिश हो रही थी, लेकिन ये बुजुर्ग बिल्कुल अड़िग लगातार भाषण अपना जारी रखे हुए थे। और तब भी ये सवाल एक बार फिर सबके जहन में आया था कि क्या पार्टी में एक बुजुर्ग नेता ही है जो नौजवानों की भूमिका आजमा रहे हैं। चाव के साथ निश्चित तौर पर रूबिका जी, जिस तरह से शरद पवार ने इस चुनाव में प्रचार किया है और पूरा एक तरह से कांग्रेस और एनसीपी का जो पूरा एक नेतृत्व किया है और जो भी इसमें उनको नतीजे हासिल होंगे वो उसका पूरा श्रेय एक तरह से शरद पवार को जाने का। क्या कि साहब आखिर में बाजी पलटते हुए शरद पवार कहीं नजर आए हैं या फिर तगड़ी टक्कर देते हुए? तगड़ी टक्कर तो नहीं लगती मुझे, क्योंकि कांग्रेस ये बहुत कमजोर उनका पार्टनर रहा है और उसकी वजह से तगड़ी टक्कर देने का कोई सवाल ही नहीं आता। लेकिन जहां तक एनसीपी का सवाल है, मुझे लगता है कि एनसीपी का और शरद पवार का एक ही टारगेट है कि कम से कम अगली बार जो अप्रैल 2020 में राज्यसभा की सीट जब खाली होगी उनकी, तो उस पर शरद पवार फिर से वापस रीनॉमिनेट हो जाए और उसके लिए जो पर्याप्त संख्या बल लगता है 42-43 वोट्स का, वो कम से कम वो हासिल किया जाए, ये एक उनका एक टारगेट लग रहा है। पंकज, आप तो फडणवीस फैक्टर कर रहे थे, लेकिन क्या पवार पावर आपको नजर आया है और खासकर मराठवाड़ा इलाके में जहां दबदबा है एनसीपी का? देखिए, बहुत कुछ दांव पर है शरद पवार के लिए और उम्र उनकी बहुत हो चली है। अकेले चुनाव प्रचार करते रहे एनसीपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। 30-35 साल से महाराष्ट्र की राजनीति उनके आसपास घूमती रही, लेकिन वक्त बदल रहा है, परिवार में घमासान मचा है, संगठन और दोनों अलायंस के बीच भी कितना डिफरेंसेज है। लेकिन अगर इसके बावजूद लाज बचती है गठबंधन की, तो सब कुछ पवार को ही क्रेडिट जाएगा। पवार को ही क्रेडिट जाएगा, यानी पवार पावर है जो अगर इज्जत बचती है तो वो क्रेडिट जो है पवार के पावर को जाने वाला है। मुंबई के भक्ति पार्क से एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ये बता रहे हैं कि वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह कितना है और वोटिंग का मुद्दा क्या है। मैं इस वक्त मध्य मुंबई के भक्ति पार्क पोलिंग बूथ में मौजूद हूं और यहां पर हम देख रहे हैं कि पोलिंग शुरू होने से पहले ही कतारें लगनी शुरू हो गई थी पोलिंग बूथ्स के बाहर। और यहां पर मेरे साथ लगभग हर उम्र के मतदाता मौजूद हैं। ये वो उत्साही मतदाता हैं जो आज सुबह सुबह जल्दी उठकर यहां पहुंच गए थे वोट डालने के लिए। इनसे बात करते हैं, ये पहले वोटर हैं जिन्होंने कि इस पोलिंग बूथ पर वोट डाला। ये बताइए कि आप क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? आप उम्मीदवार को देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं या फिर मुद्दों को देख रहे हैं? मैं पार्टी को पहले देख रहा हूं, पार्टी के साथ में उम्मीदवार को भी देख रहा हूं। जो देश हित में बात करता है, जो देश के लिए काम करता है, उनको वोट दूंगा। जो देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जो अच्छे मुद्दे हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं, उनको पावर में नहीं लाना है। ऐसे बंदों को पावर में लाना है जो देश के लिए काम करे, देश के लिए सोए, देश के लिए जगे, देश के लिए काम करे। आप बताइए, आप क्या सोच कर आए हैं वोट डालने? हम भी पार्टी को देख के आए हैं वोट करने के लिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसी को देंगे हम जो वोट। चरखी दादरी से बबीता फोगाट चुनाव लड़ रही है, उनकी बहन का रिएक्शन आया है अपनी बहन के लिए, कैसे वोट मांगी? आज अभी भी खेलों के क्षेत्र में अगर देखें तो इतना स्टेडियम वगैरह या फिर ग्राउंड रूट पे हमें काम करने की जरूरत है और अभी 3-4 दिन में फैसला आ जाएगा। अगर मेरी बहन विधायक बनती है तो बिल्कुल आने वाले 5 साल में इन सब समस्याओं से लोगों को फिर जूझना नहीं पड़ेगा। कुश्ती के दंगल में बहुत सारे दावपेच सीखे होंगे बबीता ने आपसे, क्या इसके बारे में भी कुछ बोला कि दीदी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे? देखिए जी, हम खिलाड़ी हैं और हमें ये टेढ़ी मेढ़ी राजनीति हमें नहीं ना ही करनी है। हम ईमानदारी से हमारी बहन हमारा परिवार सपोर्ट कर रहा है, राजनीति करना चाहते हैं और दावपेच यही है कि जितना हो सके हम लोगों की सेवा करेंगे, जितना हो सके हम लोगों की जो भी दिक्कतें हैं उनको हम हल करेंगे, उनका मान सम्मान हम जो जिस उम्मीद से वो हमारी बहन को विजेता बनाएंगे हम उन उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे, यही दाव पेच है। विजय विद्रोही, आप तो हरियाणा में चप्पे चप्पे पर घूमे हैं और इनफैक्ट फोगाट परिवार से आपकी मुलाकात हुई थी, वहां आपने वक्त बिताया है। जगविंदर पटियाल आपसे कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि पहलवानों में, एथलीट्स में और क्रिकेटर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है जब वो मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे होते हैं, बिल्कुल ठेठ अंदाज में, और यही चीज वो कर रही थी अभी।
वो कर रही थी, लेकिन राजनीति के अखाड़े में भी बड़ी तेजी से राजनीति के गुर सीख रही हैं। आप अब से 2-3 महीने पहले तक यही बबीता फोगाट हरियाणा सरकार की खेल नीति का खुलकर विरोध करती रही थी, जिसकी बात उनकी बहन भी अभी कुछ इशारा कर रही थी कि उसमें प्राइज मनी कम कर दी है, और अब उसी पार्टी से वो चुनाव लड़ रही हैं। हम बबीता के यहाँ गए तो बबीता हमें एक मंदिर में मिली, राजस्थान के सीकर से सुमेनानंद सरस्वती जो एक साधु हैं, बाबा रामदेव के चेले हैं, उनके साथ वो वोट मांगती नजर आई। तो मुझे लगता है कि राजनीति कुश्ती के अखाड़े में जो नाम कमाया हो, अब राजनीति के अखाड़े में भी वो गुरु वो सीख रही है। जगविंदर, साम दाम दंड भेद, राजनीति में आप इन सब का प्रयोग करते हैं जीत हासिल करने के लिए, आपको लगता है ये खिलाड़ी भी वही, क्योंकि जिस तरफ इशारा कर रहे हैं विजय विद्रोही? देखिए, बड़ी बात क्या है कि उन्होंने खट्टर सरकार की नीति को ही एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा अभी स्टेडियम को, खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तो सवाल यह है कि जिस पार्टी की तरफ से लड़ रही है, वो पार्टी तो ये कहती है कि भूपेंद्र सिंह जहां हुड्डा जहां छोड़ के गए थे उनसे आगे हमने बहुत कुछ किया है। तो पहली बात तो ये है कि उसको एक्सपोज कर दिया। दूसरी बात, खिलाड़ियों की जो प्राइस मनी कम की थी, विजय ठीक कह रहे थे, इन्होंने विरोध किया था, इनके साथ साथ और खिलाड़ियों ने भी विरोध किया था, लेकिन शायद बीजेपी की यही रणनीति है कि योगेश्वर को, संदीप को और बबीता को चुनाव लड़ाकर उनको अगर हम विधानसभा ले आते हैं तो वो तमाम दाग भी धुल जाएंगे, बिल्कुल जैसे ऋण के दाग धुल जाते हैं। पंकज, आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि महज यहाँ पर मंदिर जाना या फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना, फिर उसके बाद उसी सरकार की तरफ से या उसी पार्टी की तरफ से चुनाव के मैदान में खड़े हो जाना, ये चीजें अहमियत रखती है, खासकर तब जब जनता इन चीजों को के आधार पर वोट डाल रही है। कहाँ कोई याद रखता है, रातों रात तो सब कपड़े से लेकर के विचार तक बदल जाते हैं, ऐसा पहली बार थोड़ा ही हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं बबीता फोगाट की बात हो रही है, जैसा जगविंदर कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है। जब लोगों को लगेगा कि 3-4 बड़े चेहरे जो हैं वो विधायक बन कर कर आ गए हैं, तो सारी बातें जो हैं वो पीछे चली जाती हैं। हालांकि हुड्डा सरकार ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अभी जैसी बात विजय कह रहे थे कि राजनीति के दाव पेंच अभी सीखे नहीं हैं फोगाट परिवार ने, तो इसीलिए ये सब उनके मुँह से निकल जा रहा है। मैं दोबारा वो मुद्दे पर आना चाहती हूँ। अच्छा, और मुद्दे पर आऊँ उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि स्क्रीन पर जो जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मेहमानों का ये सिलेक्शन हुआ है। देखिए, आप अभी इस वक्त देख रहे हैं पंकज को। पंकज झा जो हैं अरसे से महाराष्ट्र में मौजूद थे, अलग अलग नेताओं की रणनीति को देख रहे थे, चुनावों में मुद्दे क्या होंगे वहां के वोटर्स से जान रहे थे, और आप इनका प्रोग्राम जरूर देखते होंगे, फडणवीस फैक्टर। फिर विजय विद्रोही को आप देख रहे हैं जो हरियाणा में मौजूद थे, हरियाणा की राजनीतिक जमीन को अच्छे से खंगाल रहे थे, और विजय फैक्टर के नाम से आप इनके कार्यक्रम को देख रहे थे। जगविंदर पटियाल 4 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल हर एक जिले में जाकर पूछ रहे थे लोगों से, हर मुद्दे को उठा रहे थे, और वहां के जितने भी लोकल लीडर्स हैं वो एबीपी न्यूज के मंच पर आए और उस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे थे जिसके बूते वो चुनाव में जा रहे थे। तो जगविंदर पटियाल को आप देख रहे हैं, असिस्टेंट सीनियर एडिटर इस वक्त महाराष्ट्र टाइम्स के, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील चावके को आप देख रहे हैं। तो मैं पहले यह परिचय करवा देना चाह रही थी, इनकेस अगर अभी अभी आपने एबीपी न्यूज को ट्यून इन किया है। तो मैं मुद्दों पर आ जाती हूँ अब, और इसीलिए जब मैं मुद्दों का जिक्र कर रही हूं तो कल की उस दोबारा हुई सर्जिकल स्ट्राइक को इस बार तोप से हुई थी, तो क्या वोटों पर असर पड़ने वाला है? विजय, देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि मतदाता अपना मन बना लेता है, बहुत कम बदलता है, लेकिन इस तरह की चीजें जो एक फेंस सिटर होता है जिसको लगता है कि मैं इधर दूं या उधर दूं, उसका थोड़ा मन बदल सकता है। लेकिन बड़ी चीज मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक जीत का त्रिकोण टाइप बनाया है, एक राष्ट्रवाद है, एक दूसरा कोना उसका हिंदुत्व है, और तीसरा कोना समाजवाद है जिसमें वो प्रो पुअर जो योजनाएं चलाते हैं, और इस त्रिकोण का चौथा कोण मोदी है, तो इसका तोड़ बड़ा मुश्किल होता जा रहा है दूसरी पार्टियों के लिए निकालना। तो ये त्रिकोण बनाने से किसी ने रोका था क्या दूसरी पार्टियों को? जगविंदर, किसी ने नहीं रोका। सवाल यह है कि दूसरी पार्टियां तो स्थानीय मुद्दों को और हरियाणा के मुद्दों को उतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बना पाई। 370 का मुद्दा इसलिए चल रहा है क्योंकि हरियाणा में आप देखें
कि जितनी भी शहादत होती हैं या जितने भी सेंट्रल फोर्सेज में या आर्मी में लोग काम करते हैं, इसलिए 370 वहां चल रहा है और बार बार राष्ट्रीय मुद्दे को इसलिए बीजेपी आगे ला रही है क्योंकि उनकी कोशिश यही रहती है कि अगर खट्टर का काम नहीं चल रहा तो मोदी का नाम चले। सो इस समीकरण में कांग्रेस उलझ गई है। तो ये देखिए स्क्रीन पर तस्वीर आप पद्मिनी कोल्हापुरी की देख रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंची है। चाबके साहब, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर, और महाराष्ट्र में मुंबई का चुनाव जो है वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर वीवीआईपी चेहरों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी आपको तादवे। देखिए सेल्फी शुरू हो गया पोलिंग बूथ के अंदर। हाँ, पोलिंग बूथ के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है ना मोबाइल अलाउड है। दोबारा मैं दर्शकों को ये बता दूं, अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो मोबाइल घर पर छोड़ के जाइएगा या फिर बाहर आपको रखना होगा, लेकिन सेल्फी शुरू। जी चाबके साहब जी, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज मुंबई में है और जो रुझान पिछले 5 साल से दिख रहा है कि मुंबई पूरी तरह से बीजेपी और शिवसेना के पक्ष। जरूरी है, अभी मेरी फ्लाइट है तो मैं खास आधा घंटा पहले निकली हूँ वोट देने के लिए। तो मुझे लगता है हर एक को वोट देना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच ह्यूमन बींग। थैंक यू। अच्छा, ज्यादातर बॉलीवुड के जितने भी वोटर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं वो इत्मीनान से उठते हैं, अपने टाइम से पहुंचेंगे, मतलब ज्यादातर आप उनको कतारों में देखते हैं 4-4:30 के आसपास, आखिर में आते हैं। लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी को आप देखते हैं दिख रही है। नहीं, दोपहर में भी आ जाते हैं ये कहते हुए कि फ्लाइट है, जाना है तो जल्दी आ गए। इन्होंने भी यही वजह बताई कि मेरी फ्लाइट है आधे घंटे। किसी को शूटिंग पे जाना होता है तो वो जल्दी, पर इनको क्रेडिट जाना चाहिए। 8:44 और इनफैक्ट उससे कुछ देर पहले वो वहां पहुंच गए होंगे, उन्होंने वोट। हाँ, चाबके साहब, तो जिस तरह से ये 2 दिन पहले मोदी जी ने बॉलीवुड स्टार्स के साथ में एक अपनी मीटिंग की थी, उसका भी एक असर इस चुनाव में दिखने को मिलेगा क्योंकि मुंबई और खास करके मुंबई पुणे में जो सेलिब्रिटीज और वीआईपीज का जो एक ये है, तो वो एरिया में जो मोदी जी के साथ शाहरुख खान, आमिर खान, एकता कपूर और फिर जैकलिन फर्नांडिस, ये सब स्टार्स, कंगना रनौत, ये सब स्टार्स दिखे, उसका भी एक पॉजिटिव असर वोटर पर पड़ने वाला है और उसका फायदा बीजेपी शिवसेना को मिलेगा। पंकज, ये असर पड़ने वाला है क्या? नहीं, मैं इस मामले में इनकी राय से अलग, मेरी राय है कोई बहुत इसका असर पड़ने वाला नहीं। जो विजय कह रहे थे ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है और वो टेस्टेड भी है, सक्सेसफुल भी रहा है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और इन्हीं 3-4 कोणों के बीच में बीजेपी लड़ती रही है। कोई भी जगह चुनाव होता है, कुमकुम थोड़ी देर पहले कह रही थी कि नगर निगम के चुनाव होते हैं वहाँ भी मोदी फैक्टर ही काम करता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ भी मोदी का ही चेहरा सबसे बड़ा होता है, राष्ट्रवाद को आगे करते हैं, तमाम दूसरे इतने मुद्दे, महाराष्ट्र में देखिए ना, दलितों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मराठवाड़ों का आंदोलन, सब कुछ, इस पर कोई विमर्श ही नहीं खड़ा कर पाई कांग्रेस और एनसीपी, और बीजेपी ने राष्ट्रवाद, 370 और इन सब चीज़ों के सहारे वो चुनाव को आगे बढ़ाती चली गई। और सच्चाई ये है कि इन चुनावों में, इससे पहले के चुनावों में और इससे पहले, जब मैं चुनाव का जिक्र कर रही हूँ तो लोकसभा, आप समझिए, देखिए बबीता फोगाट जो है वोट डालकर पहुंची है, आज ये जो उंगली है ये सबसे ताकतवर है, इंडेक्स फिंगर जो आपकी अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में है तो ये सबसे ताकतवर उंगली है और जरा इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। हम इस तस्वीर के साथ एक छोटे से ब्रेक लिए, देखिए अमिताभ बच्चन, रेखा, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, सब के सब वोट डालने के लिए अभी नहीं पहुंचे हैं। इस गफलत में मत रहिएगा, हमें इंतजार है इन लोगों का। ये पिछली बार की तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। 8:46 सारे सेलिब्रिटीज से एबीपी न्यूज ये आग्रह कर रहा है कि सर निकलिए बाहर, आप आएंगे आपके पीछे पीछे जमात आएगी, तो आपका कर्तव्य है कि आप समाज को जरा इंस्पायर कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और इस बात को पूरा करते हुए, बीच में मैंने छोड़ दी थी उस बात को, कि इन चुनावों में ये देखा गया है कि लोकल उम्मीदवार की तरफ लोग देख भी नहीं रहे हैं, ये मोदी वर्सेस बाकी सारे उम्मीदवार का चुनाव हो गया और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.0 के बाद ये पहला इम्तिहान है कि इस बार वोट परसेंटेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, सीटें बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती है, सत्ता में रहता कौन है, ये वो सारे सवाल है जिनका जवाब हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता दी।
तो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर नॉनस्टॉप कवरेज एबीपी न्यूज पर सुबह 6 बजे से लगातार आप देख रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको कैसे आज हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता चुन रही है अपना मुख्यमंत्री और बता रही है कौन बनेगा उनका मुख्यमंत्री। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा का जब भी जिक्र आता है गुरुग्राम का जिक्र आना बहुत जरूरी है क्योंकि 4 विधानसभा सीटें अकेले गुरुग्राम में ही आती है। 2014 में बीजेपी तमाम 4 सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही थी। 2014 से लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास ही है गुरुग्राम की। एनसीआर का इलाका गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी है, साइबर सिटी है और अपने आप में रेवेन्यू के मामले में सरकार का खाता भरता है। लेकिन गुरुग्राम के लोग क्या सोच रहे हैं, एबीपी न्यूज के संवाददाता ने आज चुनाव के दिन मतदान के दिन उनसे जाना। मैं वजीराबाद में मौजूद हूं और यहां पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। मेरे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी अभी वोट डाल करके पहला वोट डाल करके आए ये लोग अभी। आप दादी कब से वोट डाल ली है? हर चुनाव में वोट किया है। आप बताइए कि किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? जब तक गुड़गांव विधानसभा के सभी प्रत्याशी जो भी यहाँ के विकास की बात करेगा, जो भी यहाँ की प्रदूषण की बात करेगा, जिसने जो वादे किए हैं उन सभी में से जो पसंद और जो काम करने वाला होगा उसी उम्मीदवार को हमने चुना है। नाम पर, काम पर या वादे पर, किस चीज पे आपने वोट डाला है आज? आगे आइए। जो मतलब सही काम करेगा या किया है मतलब आगे, महिलाओं का मुद्दा भी रहा, पोल्यूशन भी रहा और रोड जो है मतलब रोड के लिए भी मतलब मेरा वोट मतलब गया कि अच्छे रोड होंगे। तो ना चेहरे पर ना नाम पर, वोट पड़ेगा काम पर, ये कह रही है गुरुग्राम की जनता। नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।